2024 में फिर से दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों को फतह करने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन इस पर गौतम गंभीर ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव वह नहीं लड़ने वाले हैं और क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। गौतम गंभीर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस ट्वीट में टैग किया है। आपको बता दें, गौतम गंभीर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध करता हूं कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाए, जिससे मैं क्रिकेट की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद। यानी कि साफ तौर पर गौतम गंभीर यहां से ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव में 2019 में गौतम गंभीर ने कांग्रेस पार्टी के अरविंदर सिंह लवली को 6,95,000 वोटों से हराया था। बड़ी जीत दर्ज करके गौतम गंभीर संसद पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद लगातार अब गौतम गंभीर ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्रिकेट में उनकी रुचि है, क्रिकेट की प्रतिबद्धताओं के कारण आगे वह राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाएंगे और इसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।